नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 10 लाख के इनामी दुर्दांत नक्सली महाराजा प्रामाणिक ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराजा अपने साथ AK-47, 150 कारतूस और दो वायरलेस सेट लेकर पहुंचे थे। 119 वारदातों में वांछित और दक्षिणी छोटा नागपुर जोनल कमेटी के कमांडर महाराजा प्रामाणिक ने शुक्रवार को झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। महाराजा प्रामाणिक ने IG अभियान अमोल विनुकांत होमकर, IG रांची पंकज कंबोज सहित अनिवार्य अधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया। आत्मसमर्पण के बाद महाराजा प्रामाणिक ने कहा कि नक्सली बहला फुसला कर लोगों को दस्ते में शामिल करते हैं, वह खुद झूठे सब्जबाग के चलते ही नक्सलियों के दस्ते में शामिल हुआ। प्रामाणिक ने कहा कि वर्तमान में नक्सली अपनी मूल धारणा को भूल चुके हैं, नक्सली दस्ते में शामिल महिलाओं का शोषण किया करते हैं। महाराज प्रामाणिक के आत्मसमर्पण के दौरान IG अभियान ने कहा कि ये सरेंडर पतिराम मांझे के दस्ते के लिए बड़ा झटका है। महाराज पर 119 कांड विभिन्न थानों में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि महाराज ने कई इनपुट्स दिए हैं जिस पर पुलिस काम कर रही है, जल्द ही और सफलता हाथ लगेगी। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।